गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक स्लोडाउन समझने के लिए पहले आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिन करो एक बाजार है जिसमें कई सारी दुकानें हैं, कुछ बड़ी दुकानें हैं, कुछ छोटी दुकानें हैं। अब हुआ ऐसा कि 3-4 बड़ी दुकानों ने बहुत सारा कर्जा ले लिया मार्केट से और अब वो कर्जा लौटा नहीं पा रहे हैं। इसके ऊपर जो बाज़ार का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने सड़कें नहीं बनवाई, उसने नाले सही से नहीं खुदवाए, उसने हैंडपम्प नहीं लगवाए, तो जो छोटे बाज़ारें हैं दुकान में, जो छोटे दुकान हैं बाज़ारों में, उनके लिए कर्ज़े लेने मुश्किल हो गए। अब उनको कर्ज़े लेने मुश्किल हो गए तो वो अपना एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने मज़दूरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, मज़दूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है तो वो कुछ खरीद नहीं रहे हैं, वो कुछ खरीद नहीं रहे हैं तो पूरा बाज़ार का जो क्या है मीटर है वो आ गया है डाउन। इसको हम बुलाते हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन। अब ये बाज़ार को आप समझ लो एज अ कंट्री इंडिया। इंडिया में पिछले 15 सालों में कुछ ऐसे ही कांड हुए हैं कि 4-5 बड़े लोगों ने इतने बड़े बड़े कर्जे ले लिए हैं कि पूरा मार्केट को कर्जे लेने में दिक्कत हो गई है। मार्केट को कर्जे लेने में दिक्कत हो गई है, मेरे और आपके जैसे लोगों को लोन लेने में दिक्कत हो गई है। मेरे और आपके जैसे लोगों को लोन लेने में दिक्कत हो गई है क्योंकि हमारी तनख्वाहों का कोई भरोसा नहीं है, हमारे इंक्रीमेंट्स का कोई भरोसा नहीं है। हम इस सिचुएशन में लेकिन आए कैसे, हाउ डिड वी रीच दिस सिचुएशन? इसके पहले आपको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा कि पिछले 10-15 सालों में हिंदुस्तान में हुआ क्या है। 91 में हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हुई थी, बैंक्स खुले थे, नए बिजनेसमैन लोन ले सकते थे, वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला। सबसे पहला सिलसिला था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स, जो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बैंक्स जब कर्जे देने शुरू किए तो उसके टाइम तो कई सारे आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बट इवेंचुअली जैसे हमारे हिंदुस्तान में काम होता है कि यार 1 करोड़ दे दो 20% तुम्हारा, 5 करोड़ दे दो 30% तुम्हारा, ऐसे काम होना शुरू हो गया। बहुत सारे बैंकों ने, तमाम बैंकों ने, खासकर सरकारी बैंकों ने ऐसे ऐसे धंधे वालों को लोग कर्जे देने शुरू कर दिए जहाँ की पता है कि ये लोन वापस नहीं आने वाला है। ऐसी स्टील कंपनीज जिन्होंने हिमालय में अपना प्लांट लगा के रखा हुआ है, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जिनकी कोई लेबर इंडस्ट्री नहीं, जिनका कोई लेबर इंटेंसिटी ही नहीं है, ऐसे लोगों को कर्जे दिए गए। जब इस तरह के लोगों को लोन्स दिए जाएंगे तो वो वापस नहीं आने वाले हैं। इस वक्त आज की डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जो कर्जे वापस नहीं आने वाले हैं, दैट अमाउंट्स टू 8.6 लाख करोड़। दैट्स अ बिग मनी। विजय माल्या, नीरव मोदी, जिनके बारे में आपने सुना है, दे आर ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। देर आर मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, शुगर मिल इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनका पैसा वापस मार्केट में नहीं आने वाला है, तो वो पैसा फंस गया है, दैट इज नॉट गोइंग टू कम। एनपीए वाज जो इतना बड़ा कांड था, उसके बाद क्या हो गया, ILFS। ILFS क्या, आपने शायद नाम सुना होगा, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन कंपनी है जो कि इंफ्रा लोन्स देती है। LIC इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। ILFS लोन्स कहाँ से लेता है, वो म्यूचुअल फंड से पैसा उठाता है, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी से पैसा उठाता है, NBFC जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है वहाँ से पैसा उठाता है। इन सब में पैसा कौन लगाता है, मेरे और आपके जैसे लोग। आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, म्यूचुअल फंड वहाँ जाके पैसा लगाता है क्योंकि अच्छे रिटर्न मिलेंगे जो कि वो आपको प्रॉमिस करते हैं। ILFS ने पिछले 4-5 सालों में इतने कर्जे उठाए हैं, और कर्जा एक नहीं उठाया, कर्जे के ऊपर कर्जा उठाया, फिर उस कर्जे के ऊपर दूसरा कर्जा उठा लिया, फिर उसके ऊपर एक और कर्जा उठा लिया, जबकि पहले कर्जे का इंटरेस्ट बकाया है अभी तक। उससे हुआ यह है कि चेन रिएक्शन ऑफ सॉर्ट्स चालू हो गई है मार्केट में, जहाँ पे आप लोगों को कर्जे पे कर्जे लेते जा रहे हैं। ILFS का इस वक्त नेट बकाया मार्केट में 92,000 करोड़ रुपए है जो कि डिफॉल्ट हो सकता है। लास्ट ईयर इस पे रेड फ्लैग हुआ जब ILFS के बारे में सबको पता लगना शुरू हुआ, तब ये फाइनली रिवील हुआ कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं जिनको ILFS को रेट करना चाहिए था, उन लोगों ने सही पे रेट नहीं किया, RBI ने फ्लैग नहीं उठाया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे सिचुएशन पहुँच गई। ऐसा हो सकता है क्या? ऑफकोर्स आप कुछ लो, मैं कुछ लेता हूँ, हम दोनों मिलके रहते हैं, सबका काम चलेगा, ऐसी तो काम होता है ना हमारे देश में। ये सिचुएशन वहाँ पे ऐसे पहुँची। ILFS के बाद जो रही सही कसर थी, NPA और ILFS के बाद जो रही सही कसर थी, वो पूरी कर दी डीमोनेटाइजेशन ने। डीमोनेटाइजेशन क्या था, हमारे मोदी जी की फैंसी स्कीम। फैंसी स्कीम में क्या होता है कि भैया करते हैं, इससे नाम होगा, लेकिन इससे घंटा कुछ नहीं हुआ, ना ब्लैक मनी वापस आया, RBI गॉट ऑल द मनी बैक एज विच वॉज देयर इन द सिस्टम। दूसरी बार क्या हुआ कि जो आपका कैशलेस सिस्टम में माइग्रेट होने वाला था वो भी नहीं हुआ, वी आर बैक टू कैश। डीमोनेटाइजेशन वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक ब्लंडर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। हुआ उससे ये है कि जो लो वेज अर्नर्स थे, लो वॉल्यूम वाले कैश अर्नर्स थे, उनका पूरा मार्केट ठप हो गया है। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जैसे कि रबर बैंड फैक्ट्रीज, मैच मेकिंग इंडस्ट्रीज, जो गांव बेस्ड रूरल एग्रीकल्चर, सबसे बड़ा सेक्टर अफेक्ट हुआ है डीमोनेटाइजेशन से। मजदूरों को डेली के पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो वापस चले गए हैं मनरेगा में, मजदूरों के पास पैसे नहीं आते हैं, देन दे कैन नॉट अर्न, दे कैन नॉट स्पेंड ऑन बाइंग बिस्किट्स, दे कैन नॉट अर्न ऑन बाइंग ट्रैक्टर्स
और टू व्हीलर्स जो कि आपका आजकल दिख रहा है ना, टू व्हीलर सेल डाउन हो गई हैं, तो एग्रीकल्चर मार्केट पूरा डाउन हो गया है। होलसेलर्स को पैसा नहीं मिल रहा है, रिटेलर्स को पैसा नहीं मिल रहा है, जो सप्लाई चेन थी उसको पैसा नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर आ गया जीएसटी। अब जीएसटी अपने आप में एक बहुत सही चीज़ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से हो रहा है वो भी सही है। हिंदुस्तान जैसे देश में आप पहले दिन से कोई चीज़ सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, वो अपना ही टाइम लेगा। बट दिस शुड हैव नॉट हैपेंड विद डीमोनेटाइजेशन। अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ होता तो जीएसटी के इफेक्ट्स हमको अच्छे अभी तक दिखने शुरू हो गए होते। तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से एक और हमारा बैकबोन का एक पिलर चला गया। इन तीनों के बाद जो सबसे बड़ा एक डिफॉल्ट आया था वो है, वो अभी चला आ रहा है, वो है लैंड एंड लेबर लॉज। इंडिया के लैंड और लेबर लॉज आज भी पुरातन काल के हैं। कोई नया प्लांट अगर डालना चाहेगा, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, एप्पल जैसी कंपनी आएगी, वो बोलेगी कि भैया मुझे प्लांट डालना है, तो वो तभी डाल पाएगा ना जब यहाँ लैंड इजीली अवेलेबल होगी, लेबर इजीली अवेलेबल होगा। यूएस चाइना ट्रेड के वॉर, इंडिया शुड हैव बीन द कंट्री विच शुड हैव टेकन द प्लेस ऑफ चाइना एज द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, बट दैट नेवर हैपेंड। व्हाई? बिकॉज द लैंड एंड लेबर लॉज आर वेरी ओल्ड। आज भी किसी कंपनी के लिए यहाँ पे आकर के लैंड एक्वायर करना सबसे बड़ा सरदर्द होता है। वो अगर हो भी जाए तो ट्रेड यूनियन उनको काम नहीं करने देते हैं। दिस इज़ अबाउट लेबर लॉज। ये दोनों के बाद एक्सपोर्ट्स जो हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। एक तो वैसे भी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा दुनिया में करते नहीं हैं, जो करते हैं वो रिजल्ट होता है एक्सपोर्ट के मैकेनिज्म से। एक्सपोर्ट के मैकेनिज्म हमारे आज भी बहुत ज़्यादा स्लो हैं। हमारे कार्गो अपलोड और डाउनलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। आप एक्सपोर्ट के बारे में अगर पढ़ेंगे तो इंटरनेट पर आपको 10 ईयर की चीज़ें पता लग जाएंगी। तो हमारे इतने एक्सपोर्ट बिल बढ़ाने हैं। जब डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो एक्सपोर्ट इज़ दी ओनली सेक्टर जिससे कि देश में पैसा आता है, पर वो हो नहीं रहा है। ये रहा लैंड लेबर और एक्सपोर्ट। इसके बाद आखिरी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टैक्स टेररिज्म। आपको याद होगा वीजी सिद्धार्थ जो कि सीसीडी के फाउंडर थे, उन्होंने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया था। वीजी सिद्धार्थ वाज नॉट दी ओनली बिजनेसमैन। ऐसे कई सारे बिजनेसमैन हैं जो न्यूज़ में नहीं आते हैं और टैक्स ऑफिशियल्स उनको परेशान करते हैं। हालांकि जो देश में परसेप्शन इतने सालों से रहा है ना कि जो पैसा कमा रहा है वो गलत माध्यम से ही कमा रहा है, ये बहुत गलत है। वी कैन नॉट डिप्लॉय टैक्स ऑफिशियल्स लाइक वुल्व्स जस्ट टू कंप्लीट देयर टारगेट्स। जब टैक्स टेररिज्म इतना ज़्यादा होगा तो कोई घंटा काम करेगा यार? कोई घंटा अपनी इनकम रिवील करेगा और कोई घंटा अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपैंड करना चाहेगा? क्यों करें यार, सारा सरकार के पास टैक्स चला जाता है। अभी रिसेंट अनाउंसमेंट्स हुए थे कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करने के लिए, उससे थोड़ा इन्वेस्टमेंट साइकिल थोड़ा पॉजिटिविटी मार्केट में आई है। वरना इससे पहले 42% वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सम कॉर्पोरेट्स जो कि गवर्नमेंट चार्ज कर रही थी। FPIs जो कि फॉरेन प्रमोशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उन पर 14% सरचार्ज लगा दिया था, वो भी हटाया गया। आपको टैक्स टेररिज्म नॉट ओनली थ्रू द नंबर्स बट ऑल्सो थ्रू ऑफिशियल्स थोड़ा कम करना होगा। वो एक बड़ा फैक्टर था जो पिछले 15 सालों से अफेक्ट कर रहा था। तो ये जो 5 बड़े बड़े फैक्टर्स थे, ILFS, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, डीमोनेटाइजेशन, टैक्स टेररिज्म एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लैंड लेबर लॉज, इन 5 चीज़ों ने मार्केट में पैसे का फ्री फ्लो रोक दिया है। अब फ्री फ्लो रोक दिया है तो मेरे और आपके जैसे लोग जो हैं वो ऑटो और होम लोन्स एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनियां लोन देती थी उन्हीं का पैसा फंसा हुआ है। अब जो लोग लोन ले सकते हैं वो लोग लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो लोग ये लोग जिन कंपनियों में काम करते हैं उनके इंक्रीमेंट रुके हुए हैं, उनकी सैलरी बढ़ने के चांसेस नहीं है क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है। मार्केट में पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उनके क्लाइंट उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इट्स अ चेन रिएक्शन, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। सो दीज पीपल आर नॉट एबल टू बाय न्यू थिंग्स, मेरे और आपके जैसे लोग ना घर खरीद सकते हैं ना ऑटो खरीद सकते हैं। इनफैक्ट चड्डियों की सेल तक डाउन है यार, मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी बिग। ये तो बात हो गई अर्बन इकोनॉमी की। रूरल इकोनॉमी जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड थी, वो कैश डिपेंडेंट थी, उनके पास भी पैसे नहीं आए डीमोनेटाइजेशन के इफेक्ट से, वो लोग अभी उभर नहीं पाए। हमारा तो सैलरीज का पार्ट है, उनका डीमोनेटाइजेशन की वजह से भी वो बाहर नहीं निकले हैं। दे आर नॉट बाइंग ट्रैक्टर्स, दे आर नॉट बाइंग टू व्हीलर्स, दे आर नॉट बाइंग एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू रूरल इकोनॉमी, तो उनका स्टॉक गिरा हुआ है। एज अ रिजल्ट अभी आप देखेंगे ना तो ऑटो की सेल्स डाउन है, बिस्किट्स की सेल्स डाउन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की सेल्स डाउन है। दीज थ्री आर बिग थिंग्स विच पीपल कंज्यूम, इन सब की सेल्स डाउन है। तो अब सेल्स इसलिए डाउन है क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है, तो सेंटिमेंट पूरा नीचे गिरा हुआ है। अब इन सबको सुधारा कैसे जाए? व्हाट आर द सॉल्यूशंस, इसमें क्या होना चाहिए? कई सारे इकोनॉमिक्स ने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सरकार को पैसा लगाना चाहिए। अभी 1.76 लाख करोड़ RBI से एज अ डिविडेंड गवर्नमेंट को आ रहा है। दिस मनी शुड बी डेडिकेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उससे ये होगा कि जितने भी एलाइड सेक्टर्स हैं, स्टील, मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, ये इस तरीके के जो सेक्टर्स हैं वो और डेवलप होंगे, लेबर इंटेंसिटी, लेबर्स को नौकरियां मिलेंगी, तो एटलीस्ट कैश सर्कुलेट होगा मार्केट में। दैट इज़ वन ऑफ द वेज विच इकोनॉमिस्ट आर सजेस्टिंग। जॉब्स, हमारे 5 साल में, पिछले 5 सालों में नई नौकरियां डेवलप नहीं हुई हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नए नए आ रहे हैं, प्लस जो लोग ग्रेजुएट होकर के निकल रहे हैं दे आर अनएम्प्लॉयबल। आपको पता है लास्ट ईयर 80% ऑफ इंजीनियर्स एंड 93% ऑफ MBAs वो अनएम्प्लॉयबल, इनकी नौकरियाँ नहीं लग पा रही हैं।
क्योंकि इनके पास सॉफ्ट स्किल नहीं है, इनके पास इंडस्ट्री नॉलेज नहीं है, इनको मार्केट नॉलेज नहीं है, इनको अपनी स्किल्स नहीं आती हैं। जब लोगों के पास नौकरियां नहीं लगेंगी तो वो घंटा पैसा कमाएंगे और घंटा खर्च करेंगे और घंटा इकोनॉमी चलेगी, कैसे होगा? तो वी नीड टू फोकस ऑन जॉब्स डेवलपमेंट एज वेल। वो सरकार करेगी, वो अपना काम है, बट एमबीए कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस नीड टू फोकस दैट दे फोकस इनफ अटेंशन ऑन स्किल डेवलपमेंट। अदरवाइज अगले 20 सालों में वी विल ऑल्सो बी अ होम टू द लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स अगले 20 सालों में। इसके अलावा एक्सपोर्ट सुधारने की ज़रूरत है, नए लॉज लाने की ज़रूरत है, लैंड और लेबर लॉज सही करने की ज़रूरत है, और अरे जाना भाई, लैंड और लेबर लॉज सही करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो हमको और जिस पे चीज़ पे ध्यान देना चाहिए वो अपना इम्पोर्ट बिल। इम्पोर्ट बिल सबसे ज़्यादा हमारा पेट्रोलियम का आता है, गोल्ड का आता है। हम ये जितना कम रखेंगे ना, हम जितना गोल्ड और पेट्रोल कम लेंगे बाहर के देशों से, उतना हमारा फिस्कल डेफिसिट सही होगा। फिस्कल डेफिसिट सही होगा तो रुपये का वैल्यू बढ़ेगा, रुपये का वैल्यू बढ़ेगा तो आप जब बाहर जाएंगे बैंकॉक जैसी जगहों पे, यूएस जैसी जगहों पे, तो ज़्यादा खर्चा कर पाओगे, आपकी इकोनॉमी की इज्जत होगी, आपके देश की इज्जत होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, और सो दीज आर द थिंग्स, इकोनॉमिक स्लो डाउन कैसे आया है, इसके रीजंस क्या हैं और आगे क्या हो सकता है। हमने इस पर ब्लॉग भी लिखा हुआ है जो आप कमेंट सेक्शन में नीचे देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लेट अस नो व्हाट यू थिंक, और इकोनॉमिक स्लो डाउन से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में पढ़ते रहिए, क्योंकि इवेंचुअली ये आपको अफेक्ट करेगा। सो आप ऐसा नहीं बोल सकते मार्केट जो हो रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल ये आपकी नौकरी खाने भी आएगा, उसके बाद आपके पैसे खाने भी आएगा। इवेंचुअली दिस इज़ ऑल योर मनी जो कि मार्केट में फंसा हुआ है। वी आर द वंस हु इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, वी आर द वंस हु इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, सो इट्स अस, उस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्ट्रीट जर्नल, स्टे ट्यून्ड, आगे भी हम आते रहेंगे। गुड नाइट, नहीं अभी तो दिन है, गुड बाय एंड जय हिंद।